नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस पर रणभूमि पश्चिम ओडिशा चासिंग को पाई बीजेपी रो रणहुंकार संबलपुर आरडीसी ऑफिस घेराव बेले पुलिस सह धस्ता धस्ती 10 दिन तले इंद्रावती जलसेचन प्रकल्प शुभारंभ आलोरे विधायक व मंत्री को नै दम देखाइथला बीजेपी मंत्री बहुबोली सब माप प्री पीएचडी 6 मास कोर्स रे क्लास जाइछंती मात्र 4 दिन अर्गस हाथ में एक्सक्लूसिव दस्तावेज क्लास नकरे कामाख्यानगर कॉलेज में दरमा नहीं लिप्सा प्रथा नवीन सरकार को पंचग्रहर ग्रहण प्रताप अरुण को विरोध रे हत्या षड्यंत्र भली संगीन अभियोग ठकई राजा नव व प्रफुल्ल को नहीं बदनाम राज्य सरकार धर्मशाला रोग बिकुची रामको स्थानीय लोकों संगीन अभियोग प्रदूषण पर बढ़ुची हार्ट एवं किडनी बीमारी कंपनी कब्जा रे महाप्रभु जगन्नाथों जमी जलीगला सेरम इंस्टीट्यूट पुणे रे कंपनी रो नुआ बिल्डिंग रे निया लगी 5 मृत अग्निकाण्डर कारण अस्पष्ट चली क्षयति आकलन एवं वीडियो माध्यम रे ट्रैफिक सचेतनता करी प्रशंसा साउंड ले स्कूल छात्र छात्री सोशल मीडिया रे वायरल होउछि नयागढ़ नेतार आदर्श विद्यालय रो वीडियो संपूर्ण खबर को आसीबा अन्नदाता पाई बीजेपी रो चासी अधिकार राली संबलपुर आरडीसी ऑफिस घेरो उद्यम धस्ता धस्ती परे कर्मी नेता को उठाई नेला पुलिस चासी को पाई बीजेपी रो रणहुंकार एते पाई संबलपुर एकाठी होइथिले समस्त ए भिड़ थिला राज्य सरकार चासी मारण नीति विरोध रे मंडी रे अव्यवस्था दूर करो टोकन व्यवस्था रे सुधार कटनी छटनी को रोका जाऊ तुरंत चासी को थारु धान किणतु राज्य सरकार मंडी एवं टोकन समस्या सहित कटनी छटनी को बंद करबा पाई दाबी करुछि दल ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई सीधासल संबलपुर को जीवा प्रतिनिधि मलय भोई मो सहित जोड़ी होती मलय बीजेपी रो महासमावेश रो प्रभाव केमती देखुचंती कारण विशाल समावेश हजार हजार चासी पश्चिम ओडिशा रो शामिल होइचंती मंडी रो धान उठा जिबा कथा कोंतु टोकन व्यवस्था कोंतु एवं चासी मारण नीति राज्य सरकार करो ए सब को तीव्र विरोध करा जाइछि निश्चित भाव सूची लग्ना देखो गत काल जो भाव सारा पश्चिम ओडिशा बीजेपी नेता जो समावेश रही बीजेपी चासी मानक जो पाखापाखी जो 5 संसदीय क्षेत्र और 37 लोकसभा 37 विधानसभा क्षेत्र जो लोकों समागम था पाखापाखी 40,000 ऊर्ध लोक संबलपुर समागम होते एक विराट समावेश होता कहीं वर्तमान समय जो मंडी समस्या रही चाषी को जो धान किणा समस्या रही ताकि समावेश है परवर्त समय आप जानते या को लेकिन बीजेपी जिते बार आरडीसी ऑफिस घेराव कला का गत काली तो से समय रे समस्त नेतृवृंद नेता मान पुलिस घटनास्थल उठे आनता सीधा सब चित्र देखी ये हूँ टाउन थाना जो टी रात तमाम समस्त विधायक एमती किसी सांसद थाना अच्छा कहीं जिद अच्छी गोटे दाबी रही पूर्वर कही आरडीसी को साक्षात करेंगे आरडीसी सहित आलोचना करेंगे और जो अभियोग अभियोग करेंगे कि आरडीसी सहित भेट कले तो ये वर्तमान समय राति सारा बीजेपी विधायक सांसद आप जानते वर्तमान समय भितर अच्छा राज्य सभापति समीर महांत अच्छा विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक एमती कि अन्य विधायक वर्तमान समय अच्छा टाउन थाना भितर सांसद वर्तमान समय भितर अच्छा गोटे जिद रही आरडीसी सहित आलोचना करेंगे ना सरकार चाषी को धान उठातु परवर्त समय थाना बाहर आप जानते हैं अन्य आंदोलन मानक किसी घंटा मुहूर्त में आंदोलनकारी को पुलिस छाने किंतु एटी और कथा अलटा राति तमाम पाखापाखि अनेक दीर्घ घंटा धरी दीर्घ 16 घंटा अधिक समय है राति तमाम विधायक मान अच्छा भितर सांसद मान अच्छा भितर राज्य सभापति अच्छा समीर महांत भितर अच्छा वर्तमान परिस्थिति रे सरकार निजर आंतरिकता देखै दिगरे चासी समस्या समाधान देखो सूची लगना पाखापाखि अनेक घंटा बीतीगला थाना भितर वर्तमान समय समस्त अच्छा तथापि कौन से प्रकार प्रशासनिक अधिकारी पाखक पहुँचले ना आलोचना कले ना जिलापाल ना आरडीसी ना कौन से प्रशासनिक अधिकारी सहित आसिक आलोचना कले कि बीजेपी वर्तमान समय गोटे जिद धरती ये दावी जिते पूरण हो
ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଭିତରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବେ। ଅନ୍ୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁଣି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ନା ସରକାର ଶୁଣିଲେନି, ନା ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଖାତିର କଲେନି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରିକି ଆଜି ଘେରାଉ କରୁଥିଲା, ତ ବିଜେପିଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ବଳ ଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ କି? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମହାସମାବେଶ କରୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜକୁ ବଳୁଆ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ହେବା ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିବୁ। ତ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବିଜେପି ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହିଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସାହସ ଦେବ, ଚାଷୀ କିଭଳି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ହେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଗତକାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେବେ ସଫଳ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ, ନହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁନି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥାରେ ରାଜନୀତି ନୁହଁ, ଚାଷୀଙ୍କ କଥାରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଦରକାର। କାରଣ ଅନ୍ନଦାତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଖଟିଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଏହା, ଯଦି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ସେମାନେ ଅହେତୁକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ମଳୟ ଭୋଇ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବହେଳିତ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛି, ତା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କର ରୋଜଗାର ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନେଇକି କହିଲେ ଯେ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମେ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ଏକ ମାନସିକତା ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ମନେ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସହ୍ୟ କରିବାର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଣ୍ଡି ଚାଲ ଅଭିଯାନକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଏ କାମକୁ ମଣ୍ଡି ଚାଲ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଥିରେ ସକାଳେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଠି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ RDC ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ବି ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାବଦରେ କେହି ଜଣେ ବି ନିଗୋସିଏସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ, ଏ କଥା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଇଏ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ସରକାର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ କାମ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ। ଜଳିଲା ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପୁନେର କମ୍ପାନୀ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗି 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଥିବା ୱେଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଠାରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେରମ ମୁଖ୍ୟ ଆଦର ପୁନାୱାଲା। ସେପଟେ ସେରମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆହତଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आज जो फायर लगा था उसमें अभी तो 100% वहाँ का फायर की पोजीशन अंडर कंट्रोल है,
लेकिन एक दुर्घटना निश्चित स्वरूप से घटी है। इस फायर में आज 5 लोगों की जाने गई है। अभी यहाँ से उन लोगों की बॉडीज लेके गए हैं। लेकिन इसमें एक बात का जिक्र जो हो रहा था दिन भर कि क्या कोविशील्ड का काम जहाँ चल रहा है, स्टोरेज कहाँ है, ये वही बिल्डिंग है क्या, तो ये बात भी क्लियर है कि यहाँ पे कुछ भी कोविशील्ड का स्टोरेज नहीं था, यहाँ पे कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ पे काम चल रहा था। और आज जो लोग गए हैं, जो यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है, शायद इसी बिल्डिंग में काम जो चल रहा था वहाँ के वर्कर है, ऐसा शायद प्राथमिक जो अनुमान लगाया गया है उसे ये लग रहा है। आगे की जो जानकारी है वो हमें जल्दी मिल सकती है। कोविड 19 विरोध रे देशर द्वितीय पर्याय टीकाकरण अभियान रे प्रधानमंत्री मोदी एवं विभिन्न राज्य रे मुख्यमंत्री माने टीका नै पारंती। भारत रो द्वितीय पर्याय टीकाकरण रे 50 वर्ष रो अधिक वयस्क व्यक्ति विशेष को टीका दिया जिबो बोली एक सभा रे प्रधानमंत्री कहिसेंती। तबे अभियान जारी रहिबो, विधायक मानको टीका दिया जिबो, ता सहित वयस्क समस्त सांसद मानको मध्ये टीका दिया जिबो। द्वितीय पर्याय रे जेउ 50 वर्ष रो ऊर्ध वयस्क व्यक्ति मानको टीका दिया जिबो सेमाने अन्य कोनसी रोग रे आक्रांत होइ नथिबा बा तांको थारे विशेष शारीरिक समस्या नथिबा उचित। जनवरी 16 तारिख रे देश रे आरंभ होइतबा टीकाकरण अभियान रे प्रथमे स्वास्थ्यकर्मी एवं अन्य मानको कोविड 19 टीका रो प्रथम डोज दिया जाइछि। पावरफुल मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक बढ़ुची अड़ुआ, बोहू विवाद परे मुह खोली मंत्री। से कहते आरोप संपूर्ण भित्तिहीन, बोहू लिप्सा प्रधान एमएससी एमफिल रेगुलर नुहे कि ब्लॉक ग्रांट चाकरी नुहे, पीएचडी पढ़ा पाई से एडमिशन करते तबे पुओ देह खराब होबारु पाठ न पढ़ी कॉलेज रे जेमिति क्लास कर पिला पढ़ाइबा कथा से पढ़ाउथिले। तबे आरटीआई द्वारा आसुथिबा तथ्य पूरा भित्तिहीन बोली सफेई देइछन्ति मंत्री। मंत्री बहु बोली प्री पीएचडी रे क्लास करी लिप्सा प्रधान 6 मास रो कोर्स रे मात्र 4 दिन जाई क्लास अर्गस हाथ रे एक्सक्लूसिव दस्तावेज एपटे किंतु कामाख्या नगर कॉलेज रु नैछंती दरमा केबे लिप्सा कले पीएचडी ताकू नै प्रश्न विवाद रे पूर्त ओ खणी मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक लोकायुक्त दिया जाइछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट सुगा दिया जाइछ सी इन्वेस्टिगेशन करूछि आ मु जति कि जान से मन जो एलिगेशन आंगे ना सेटा तो फेक गुडा गो आ मु ड्यूटी सब ऊपर प्रॉपरली करछि आ मु पीएसडी भी एडमिशन करी क्लास भी कर जाइए। पावरफुल मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक को बहु लिप्सा प्रधान कर ये हेउछे प्रतिक्रिया कहउछन्ते से पीएसडी करिछन्ते। एबे नजर पकांतु उत्कल विश्वविद्यालय रो ए दस्तावेज उपरे 2016 रे प्राणी विज्ञान रो प्री पीएचडी अटेंडेंस सीट ये एथरे मंत्री को बहु लिप्सा प्रधान कर ना भी रही छे। 2016 अगस्त रो एक क्लास आरंभ होई छे हेले लिप्सा मात्र 4टी क्लास ही कर छथि। शेष क्लास थिला 29 अगस्त रे आ ताप रे ना क्लास कर छथि ना सेमिनार रे भाग नै छथि। 6 मास रो मात्र 4टी क्लास करी कि भली प्री पीएचडी क्लियर कले लिप्सा एते कम उपस्थान रे प्री पीएचडी क्लियर करी हेबो के लिप्सा केबे कले पीएचडी प्री लिप्सा केबे कले पीएचडी प्री पीएचडी क्लियर न करी जणे पीएचडी किभली करिवो प्री पीएचडी न करी गिरी पीएचडी करी हेबो जो विश्वविद्यालय एमफिल क डिग्री को नउथिबे एमफिल करथिबा पिला जो विश्वविद्यालय रे पीएचडी करिया पई गृहीत होउथिबे सेई विश्वविद्यालय हेबो। वर्तमान जहा जणा जाउची जे पीएचडी करिवा पई प्री पीएचडी डिग्री दरकार एमफिल डिग्री करथिले मध्यम तांकु गोटे सेमिस्टर तांकु ट्रेनिंग दिया जाउछ स्वतंत्र से क्लास करि नथिबे मु भाबुजी कोन हेथिबो। 2016 रे कामाख्या नगर कॉलेज रे क्लास नकरी दरमा नैथिबार सांघातिक अभिजोग आसीथिला मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक बहु लिप्सा प्रधान को नारे अभिजोग लोकायुक्तक पाखरे पहुचीथिला। लोकायुक्त अभिजोगर तदंत निर्देश दैछन्थे मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक इशारा रे सेतेबेलर अध्यक्ष काम करथुवा अभिजोग होइथिला। विवाद घर को आसीबा परे मंत्री प्रतिक्रिया रखिछन्ति बहु एमएससी एमफिल सीए कॉन्ट्रैक्चुअल चाकरी करछि रेगुलर चाकरी नहि कि ब्लॉक ग्रांट चाकरी नहि
सीए पीएचडी परीक्षा देता पीएचडी परीक्षा रे सिलेक्शन होगा पर सी कॉलेज रो पीएचडी करिया पे एडमिशन नहीं था आसिक जूलोजी डिपार्टमेंट पुआ देह खराब हबार सी आउ क्लास कलानी दु तीन दिन क्लास कर क्लास कलानी जैक कलेज ड्यूटी करा कथा से ड्यूटी कर यूनिवर्सिटी परीक्षा में ड्यूटी कर यूनिवर्सिटी तार प्राप्य देती एक्सटर्नाल बाहर कॉलेज जाए बड़ प्रश्न प्री पीएचडी नक लिप्सा प्रधान पीएचडी कले कि ना पावरफुल मंत्री बोहू बोली सबु संभव ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस बुलेटिन खबर इतनी विदाय दिंतु नमस्कार।